अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं हूँ आपका होस्ट डॉक्टर ज़ैद मुस्तफ़ा। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू प्लांट टिशू कल्चर। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट टिशू कल्चर में पौधे जो हैं वो प्लांट की किसी भी टिशू से तैयार किए जा सकते हैं। वो पूरा प्लांट तैयार किया जा सकता है किसी भी एक आर्गन से, चाहे वो रूट है, शूट है, लीफ पेटल्स है, ये एम्ब्रियो है, पोलन्स है, किसी भी चीज़ प्लांट के किसी भी पार्ट से पूरे का पूरा पौधा तैयार किया जा सकता है, क्योंकि प्लांट्स में रीजनरेशन एबिलिटी होती है। तो अज़ीज़ तलबा, प्लांट टिशू कल्चर एक वास्ट फील्ड है। इसका तारुफ क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, अहमियत क्या है और इसकी अफादियत क्या है, इसके बारे में जानने के लिए हम चलते हैं लेबॉरेटरी में। डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब हमें इसके बारे में ब्रीफ करेंगे। प्लांट टिश्यू कल्चर एक वर्सटाइल टूल किट है जो प्लांट प्रोपेगेशन के लिए भी इस्तेमाल होती है और क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए भी इस्तेमाल होती है। बेसिकली जो कॉन्सेप्ट दिया गया था श्रीडन एंड शवान ने जो सेल थ्योरी पेश की थी उसमें कॉन्सेप्ट यही था कि हर सेल जो है उसमें कंप्लीट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जिस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके वो सेल जो है इट कैन डिवेलप इनटू ए कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए हैनिंग 1904 में उसने ये फर्स्ट टाइम टिश्यू कल्चर जो है ये इस्टेब्लिश किया टोबैको में। टोबैको जो कि एक मॉडल क्रॉप है टिश्यू कल्चर में बहुत अच्छा रिस्पांस देती है, तो उसमें उन्होंने ये डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ की, सेल कल्चर इस्टेब्लिश किया और कैलस कल्चर जो है वो उसमें स्टार्ट किया। तो टिश्यू कल्चर जो है एज़ दी नेम शोज़ आप प्लांट में कोई भी टिश्यू लेके उससे जो पूरे का पूरा प्लांट जो है वो इस्टेब्लिश कर सकते हैं। जो मिसिंग पार्ट्स हैं लाइक अगर आपने कटिंग ली है तो उसमें शूट्स मिसिंग पार्ट है, जो उसमें रूट्स हैं वो मिसिंग पार्ट है, तो उसमें कटिंग में जो सेल्स हैं उनके पास सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, उस जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए वो जो मिसिंग पार्ट्स हैं वो डेवलप कर लिए जाते हैं, जैसे कि शूट है और रूट है। तो इसमें प्लांट टिश्यू कल्चर जो है इसकी अगर आप डेफिनेशन की बात करें तो सिंपली जो है वो इसमें आप कोई भी प्लांट पार्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये एक प्लांट है तो इसमें जो है वो आप इसके लीव्स यूज़ कर सकते हैं, इसकी शूट टिप यूज़ की जा सकती है, इसका मेरिस्टेमेटिक रीजन जो इसकी टिप है वो यूज़ की जा सकती है, इसमें आप इंटरनोडल रीजन ले सकते हैं, ठीक है, और इसके अलावा इवन इसके जो रूट पार्ट्स हैं उनको भी आप एक्साइज कर सकते हैं और उसको जो है वो मीडिया के अंदर लगा सकते हैं। तो लेकिन इसमें जो टिश्यू कल्चर है इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है विच इज़ कॉल्ड एज एसेप्सिस, क्योंकि जो भी प्लांट मटेरियल आप फील्ड से लेके वो कंटेमिनेटेड है, उस पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को आपने एलिमिनेट करना है, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं स्टरलाइजेशन। तो आपने जो भी मटेरियल फील्ड से लेना है उसके लिए पहले आपको स्टरलाइज़ करना पड़ेगा। इसी तरह से आप जो भी टिश्यू लेंगे उसको आप एक मीडिया में कल्चर करेंगे, तो वो मीडिया जो है वो दैट प्रोवाइड्स ऑल न्यूट्रिशन जो कि प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, उस मीडिया को उसकी डिटेल हम आपको बताएंगे। वो मीडिया जो है कंप्लीट न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करता है जो भी प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। तो उसके लिए आप वो हम डिफरेंट वेसल्स यूज़ कर सकते हैं, यू कैन यूज़ टेस्ट ट्यूब, यू कैन यूज़ पैट्री प्लेट्स, यू कैन यूज़ ग्लास जार्स और फ्लास्क, तो कोई भी जो है वो वैसल उसके लिए यूज़ किया जा सकता है। तो मीडिया जो है ये इस मीडिया में कोई भी प्लांट पार्ट जो है वो आप लगा सकते हैं आफ्टर स्टरलाइजेशन। इसी तरह जो मीडिया आपने बनाया है उस मीडिया में भी आपने बहुत सारे केमिकल्स जो हैं वो डिसॉल्व किए हैं, तो उसकी भी स्टरलाइजेशन ज़रूरी है। सो द बेसिक कॉन्सेप्ट इन टिश्यू कल्चर इज़ टू इंश्योर एसेप्सिस एट ईच एंड एवरी स्टेप। जब आपने प्लांट लेना है प्लांट को आपने स्टरलाइज करना है प्लांट पार्ट्स को, जिसको हम एक्सप्लांट कहते हैं। इसी तरह से जब आपने मीडिया बनाना है उस मीडिया को आपने स्टरलाइज करना है, और जब आपने वो प्लांट पार्ट जो है वो मीडिया में इनाकुलेट करना है उस वक़्त भी आपने उसको स्टेराइल कंडीशन के अंदर जो है वो उसके कल्चर करना है। तो टिश्यू कल्चर जो है इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इसमें एक जो आम लोगों के लिए इसका ख़ास फ़ायदा है वो ये है कि ये आप बहुत थोड़ा सा प्लांट मटीरियल इस्तेमाल करके तो बहुत लार्ज स्केल पे जो है वो आप प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं, विच इज़ कॉमनली नोन एज माइक्रो प्रोपेगेशन। तो दुनिया में इस वक्त बहुत सारी कमर्शियल लैब्स जो हैं वो माइक्रो प्रोपेगेशन कर रही हैं, पर्टिकुलरली इन ऑर्नामेंटल प्लांट्स जो ज़ेबाइशी पौधे हैं जिनमें फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनमें बहुत सारे प्रीशियस मटीरियल है,
इसी तरह मेडिसिनल प्लांट्स के हवाले से भी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स जो आम तौर पे उनकी प्रोपेगेशन मुश्किल है उसके लिए भी टिश्यू कल्चर जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह से फ्रूट प्लांट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू डेवलप डिजीज़ फ्री प्लांट्स, तो डिजीज़ फ्री प्लांट्स के लिए भी आप जो है वो टिश्यू कल्चर को यूज़ कर सकते हैं। जिसमें एक बहुत बड़ी एग्जांपल है जो पाकिस्तान में बनाना बंची टॉप वायरस का इशू आया था इन 1990s, तो उसकी वजह से हमारी जो प्रोडक्शन है बनाना की वो ऑलमोस्ट 50% से भी कम हो गई थी। तो वो बनाना बंची टॉप वायरस के लिए जो है वो आप मेरिस्टेम कल्चर करके, जो कि शूट टिप में से जो रैपिडली ग्रोइंग रीजन है विच इज़ कॉल्ड एज मेरिस्टेम, उस मेरिस्टेम को आप एक्साइज कर सकते हैं, उसको कल्चर कर सकते हैं और उससे जो है वो फिर आप पौधे डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जो मेरिस्टमैटिक रीजन है वहाँ पे वैस्कुलर कनेक्शंस नहीं होते, इस वजह से अगर पौधा मदर प्लांट जो है वो इन्फेक्टेड भी है तो वायरस जो है वो वहाँ से ट्रांसमिट नहीं होता और वो जो मेरिस्टमैटिक रीजन है दैट इज़ हाइपोथेटिकली दैट इज़ कंसिडर्ड एज वायरस फ्री रीजन। तो उस रीजन को आप एक्साइज कर सकते हैं, उस रीजन को आप टिश्यू कल्चर में लगा सकते हैं, उससे प्लांट्स डेवलप कर सकते हैं और वायरस फ्री प्लांट्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। बट रिमेंबर दीज प्लांट्स आर वायरस फ्री, दीज आर नॉट वायरस टॉलरेंट और वायरस रेजिस्टेंट। तो वो उसमें क्योंकि बनाना जो है वो उसकी शक्कर से प्रोपेगेशन होती है, ए सेक्सुअल प्रोपेगेशन है, तो उसमें अगर आपके पास क्लीन मटीरियल नहीं है तो फिर आप जो है वो वायरस फ्री पौधे नहीं बना सकते। तो इसलिए इन्फेक्टेड प्लांट से भी आप टिश्यू कल्चर के ज़रिए मेरिस्टमैटिक रीजन लेके तो उससे जो है वो डिजीज़ फ्री प्लांट्स आप बना सकते हैं। इसी तरह ये टेक्निक जो है ये सिट्रस में भी इस्तेमाल हो रही है, सिट्रस में भी वायरस फ्री प्लांट्स और डिजीज़ फ्री प्लांट्स जो हैं वो डेवलप किए जा रहे हैं। उसमें पहले डिफरेंट स्टेप्स हैं, उसमें पहले थर्मोथेरेपी की जाती है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जो है वो प्लांट्स को रखा जाता है फॉर सम टाइम, उसके बाद जो है उन प्लांट्स से फिर मेरिस्टमैटिक रीजन लेके तो आप उस मेरिस्टमैटिक रीजन को जो है वो आगे यूज़ कर सकते हैं, उसकी माइक्रोग्राफ्टिंग कर सकते हैं जिससे डिजीज़ फ्री प्लांट्स डेवलप हो सकते हैं। तो ये कुछ जनरल एप्लीकेशंस हैं टिश्यू कल्चर की जिसमें आप मास प्रोपेगेशन कर सकते हैं, आप डिजीज़ फ्री प्लांट्स जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा क्रॉप इम्प्रूवमेंट में जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट हो रही है टिश्यू कल्चर की एप्लीकेशंस जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज इनविट्रो कल्चर। इनविट्रो का मतलब ये है कि ये आप कंट्रोल्ड कंडीशन में किसी भी ग्लास वेसल में इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये साइंस में एडवांसमेंट के साथ साथ बहुत सारी आपके एक्सपेरिमेंट्स साइंटिस्ट के ऐसे ड्रीम्स होते हैं जिनको जिनके लिए आपको कंट्रोल्ड कंडीशंस चाहिए जो कि फील्ड में पॉसिबल नहीं है, तो टिश्यू कल्चर लैब में वो आप कर सकते हैं। टिश्यू कल्चर लैब में आप आर्टिफिशियल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, आप प्लांट मटीरियल जो है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा प्लांट मटीरियल आपने यूज़ करना है, कौन से ग्रोथ हार्मोन्स आपने यूज़ करने हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो कम ज़्यादा करने हैं। सो एवरीथिंग इज़ कंट्रोलेबल, इवन यू कैन कंट्रोल द लाइट कंडीशंस, यू कैन कंट्रोल ह्यूमिडिटी वहाँ पे कितनी होनी चाहिए, और जो एडवांस्ड टिश्यू कल्चर लैब्स हैं आप उसमें वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड कितनी होनी चाहिए, ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें कंट्रोलेबल हैं। तो ये साइंटिस्ट को एक बहुत अच्छी जो है वो एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रही हैं कि जिससे वो अपने जिस तरह के भी एक्सपेरिमेंट्स हैं वो प्लान कर सकता है। फील्ड में जो है वो स्ट्रेस कंडीशंस देना इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब और उससे फिर एग्जैक्ट रिजल्ट्स लेना, जबकि आप टिश्यू कल्चर में आप मीडियम में जो है वो स्ट्रेस कंडीशंस क्रिएट कर सकते हैं, साल्ट स्ट्रेस दे सकते हैं, आप ड्राउट स्ट्रेस दे सकते हैं और उसके अगेंस्ट जो है प्लांट्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उनमें जो टॉलरेंस पोटेंशियल है उसको आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है वो चाइना ने बहुत सारी सोमा क्लोनल वेरिएशन के ज़रिए, सोमा क्लोनल वेरिएशन एक ऐसी टूल है जिसमें आप कंटिन्यूस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ऑफ द प्लांट मटेरियल और उसमें फिर देखते हैं कि कौन सी नेचुरल म्यूटेशंस हुई हैं, उन म्यूटेशंस को फिर आप एक्सप्लोर करते हैं और उन म्यूटेशन से फिर आप जो है वो देखते हैं कि कौन से पौधे जो हैं वो आपको इफ़ योर ऑब्जेक्टिव इज़ टू डेवलप साल्ट टॉलरेंस और ड्राउट टॉलरेंस तो उसके अगेंस्ट फिर आप स्क्रीन करते हैं, वो कंडीशंस आर्टिफिशियली क्रिएट करते हैं और उसके अगेंस्ट स्क्रीन करते हैं कि ये कौन से पौधे हैं जो हैं वो टॉलरेंस शो कर रहे हैं। तो ये इस तरीके से चाइना ने बहुत सारे सोमा क्लोनल वेरिएंट्स जो हैं वो रिलीज़ किए हैं एज वैरायटीज़ और ये एक सस्ता मेथड है, इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो हाई टेक किस्म की टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व नहीं है,
तो इसमें ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए इट्स ए वेरी यूज़फुल टूल। इसके अलावा आप सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कर सकते हैं। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में जिन प्लांट्स में नेचुरल पोलिनेशन नहीं होती, देर आर सम प्रॉब्लम्स, क्रॉस इनकम्पैटिबिलिटी है या इस किस्म के इश्यूज़ हैं, तो उनमें जो ब्रीडिंग है वो उसमें नॉर्मली वो ब्रीडिंग जो फील्ड में वो पॉसिबल नहीं है। तो आप सेल्स जो हैं उनको फ्यूज़ करके जो डिफरेंट पेरेंट्स से लिए गए हैं तो उनसे आप सोमैटिक हाइब्रिड डेवलप कर सकते हैं। तो यूएस में फ्लोरिडा में जो है वो सिट्रस ग्रुप जो है वो इस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है और इसने बहुत सारे सोमैटिक हाइब्रिड्स जो हैं वो डेवलप किए हैं सिट्रस में। इसी तरह चाइना ने बहुत सारे सोमैटिक हाइब्रिड्स जो हैं वो डेवलप किए हैं। इट्स ए वेरी पॉपुलर टूल और इसमें भी जो है वो टिशू कल्चर मेन रोल प्ले कर रहा है। इसी तरह से सिंथेटिक सीड्स जो हैं वो बनाए जा सकते हैं। ऐसी क्रॉप्स जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होते तो उनमें आप सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस इज आल्सो ए वेरी यूजफुल टूल ऑफ टिश्यू कल्चर, कि उसमें आप कोई भी पार्ट लेके या उसे कैलस बना सकते हैं या डायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस कर सकते हैं। तो सीड जो है, सीड में बेसिकली एम्ब्रियो होता है विच इज़ कवर्ड बाई सीड कोट, तो उसको आप यूज़ करते हैं फॉर फर्दर प्रोपेगेशन। तो इसी तरह से जो सिंथेटिक सीड्स हैं, सिंथेटिक सीड जो है बेसिकली एम्ब्रियोज़ हैं, सोमैटिक एम्ब्रियोज़, उन सोमैटिक एम्ब्रियोज़ को जो है वो आप कोटिंग प्रोवाइड कर देते हैं जो सोमैटिक एम्ब्रियोज़ को डेसिकेट नहीं होने देती, जो उसमें मॉइस्चर को मेंटेन करती है। तो उस मॉइस्चर की मेंटेनेंस जो है वो ज़रूरी है ताकि एम्ब्रियो जो है वो अलाइव रहे। तो उसके लिए सिंथेटिक सीड्स कैल्शियम एल्जिनेट जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है, उसकी जेल बना के तो उसमें जो है एम्ब्रियोज जो उनको कवर कर दिया जाता है, तो वो उनको यूज़ किया जा सकता है एज सिंथेटिक सीड्स। इस पर आजकल रिसेंटली बहुत सारे पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं एंड पीपल आर वर्किंग ऑन दैट, उनकी एफिशिएंसी कितनी है, उनको कितने अरसे के लिए स्टोर किया जा सकता है और उनकी वायबिलिटी कितनी है, तो इस किस्म की जो है। इसी तरह से टिशू कल्चर जो है उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है इट्स ए वेरी पॉपुलर टूल क्रॉप इम्प्रूवमेंट में। आजकल इस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो उसमें जो है वो अगेन द बेसिक स्टेप इज़ टिश्यू कल्चर। किसी भी क्रॉप में आप काम करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको एफिशिएंट रीजनरेशन प्रोटोकॉल चाहिए। आपने जीन जो है वो आइसोलेट कर लिया है, वैक्टर बना लिया है, वैक्टर के ज़रिए आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर लिया है प्लांट टिशू में। तो अगर आपके प्लांट टिश्यूज जो हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर रहे, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, ठीक है, तो फिर इसमें जो है ये आपकी सारी एफर्ट जो है वो ज़ाया हो जाएगी। तो जब भी किसी क्रॉप में ट्रांसफॉर्मेशन का काम स्टार्ट किया जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड एफिशिएंट रीजनरेशन प्रोटोकॉल। जो एफिशिएंट रीजनरेशन प्रोटोकॉल जो है वो आपको अच्छी रीजनरेशन देता है इन द फॉर्म ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस या आप उसमें शूट इंडक्शन करते हैं, तो उसके बाद फिर आप सक्सेसफुल होते हैं कि आपके जीन्स जो हैं वो प्लांट में ट्रांसफॉर्म हो जाएँ और उसमें फिर आप उसका एक्सप्रेशन जो है वो टेस्ट कर सकते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो टिश्यू कल्चर जो है ये इसकी एप्लीकेशन वक्त के साथ साथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मेडिसिनल प्लांट्स में सेल कल्चर के ज़रिए जो है वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक्सट्रैक्शन पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। ऐसे कंपाउंड जो मेडिसिनल प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं उनको आप उनके सेल्स को जो है वो सेल कल्चर में ग्रो करके एक्सट्रैक्शन प्रोटोकॉल अगर आपके एस्टेब्लिश्ड हैं तो आप बहुत जो मेडिसिनली इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, उनको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो इन सारी जो मैंने एप्लीकेशन बताई हैं आपको, इनमें दीज आर ऑल एप्लीकेशन ऑफ टिश्यू कल्चर। इसमें आप मास प्रोपेगेशन कर सकते हैं, आप क्रॉप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और आप जो कमर्शियल साइड है, कमर्शियल फार्माकोलॉजी साइड पर आप सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक्सट्रैक्शन की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। तो ये टिश्यू कल्चर की एप्लीकेशंस हैं। अब आगे हम आपको बताएंगे कि इसमें डिफरेंट स्टेप्स क्या हैं, कैसे आप मीडिया प्रिपेयर करते हैं, कैसे उसकी स्टरलाइजेशन होगी, उसके बाद इनाकुलेशन कैसे करनी है आपने, और उसके बाद जो प्लांट जब ग्रो कर जाएगा तो उसकी क्लाइमेटाइजेशन जो है वो किस तरीके से करेंगे और कैसे आप उसको ग्रोथ रूम से जो है वो ग्रीन हाउस में लेके जाएंगे ताकि वो फील्ड में जो है वो सर्वाइव कर सके। अजीज़ तलबा, जैसा कि डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब ने आपको प्लांट टिश्यू कल्चर का मुख्तसर तारफ करवाया, उसकी हिस्ट्री बताई और उसकी अफादियत और अप्लीकेशंस वगैरह के बारे में कि कैसे हम इससे डिजीज़ फ्री पौधे तैयार कर सकते हैं और प्लांट इम्प्रूवमेंट में इसका काफ़ी अमल दखल है, तो अब इसके जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जैसे कि मीडिया प्रिपरेशन है, देन
उसकी स्टरलाइजेशन है और फिर एक्सप्लांट प्रिपरेशन है, उसकी इनाकुलेशन है और फिर एक्लिमेटाइजेशन और देन ट्रांसफ़र टू फील्ड। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं इनके बारे में भी हमें डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब भी ब्रीफ करेंगे। ये जो हमने प्लांट टिश्यू कल्चर मीडिया की बात की थी, तो मीडिया में हमने ये बताया था कि ये इसमें सारी न्यूट्रिशन होती है जो कि किसी भी पौधे की बेसिक ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। तो उसमें डिफरेंट मीडिया कंपोजिशन हैं। इसमें अब साइंटिस्ट का रोल ये है कि वो इसमें जो मैक्रो एलिमेंट्स हैं जिसमें कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम ऐसे एलिमेंट्स हैं, इसी तरह कुछ माइक्रो एलिमेंट्स हैं जिसमें जिंक है, बोरॉन है, तो इस किस्म के एलिमेंट्स जो कम मिकदार में चाहिए उनको माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं। इसी तरह आयरन है, आयरन का हम अलहदा से स्टॉक बनाते हैं, और सुक्रोज जो है वो कार्बन सोर्स है, मीडिया में एनर्जी प्रोवाइड करती है, तो उसको हम यूज़ करते हैं। और उसके बाद चूँकि ये सारी चीज़ें आपने डिस्टिल वाटर में ऐड की हैं तो उसमें वो लिक्विड फॉर्म में होगी, तो उसको सॉलिडिफाई करने के लिए, उसको जेली की शक्ल देने के लिए एगर यूज़ किया जाता है, विच इज़ अ सी वीड, उसको ग्राइंड किया जाता है और वो सिर्फ उसमें जो है वो जेलिंग का काम करता है। तो ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं मीडिया के, किसी भी मीडिया के। मुराशी जी एंड स्कूक जो है ये उन्होंने एक मीडिया डेवलप किया था इन 1962 फॉर टोबैको। जैसे मैंने पहले बताया कि टोबैको एक मॉडल क्रॉप है और टिश्यू कल्चर में उसका बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस है, तो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे जो बेसिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो उसमें टोबैको को एज ए क्रॉप यूज़ किया जाता है। तो इसमें जो है मीडिया में उन्होंने 1962 में जो कंपोजिशन बनाई थी दैट वाज फाउंड वेरी मच यूज़फुल फॉर डिफरेंट क्रॉप्स, उसमें फ्रूट क्रॉप्स में भी, वेजिटेबल्स में भी, बहुत सारे जो ऑर्नामेंटल क्रॉप्स में उसमें भी, इसलिए जो एमएस मीडिया है वो टिश्यू कल्चर में खासा पॉपुलर है। उसमें फिर आगे आप अल्टरेशन कर सकते हैं, एम मैक्रो साल्ट्स जो हैं वो किसी और कंपोजिशन के यूज़ कर सकते हैं, लाइक एमटी मीडिया जो है मुराशी जी एंड टक्कर मीडिया, वो हम सिट्रस के लिए यूज़ करते हैं, तो उसमें साल्ट कंपोजिशन थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसमें यही टिश्यू कल्चर की खूबसूरती है कि आप इसमें मैक्रो चेंज कर सकते हैं, मैक्रो में कोई एक साल्ट चेंज कर सकते हैं, माइक्रो में जो है वो कंपोजिशन चेंज कर सकते हैं, अब विटामिन किसी और कंपोजिशन के यूज़ कर सकते हैं, सुक्रोज जो है उसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, 10 ग्राम यूज़ कर सकते हैं या 50 ग्राम तक उसको ले जा सकते हैं। तो इसमें यही ख़ास बात है कि आप कोई भी कंपोजिशन जो है उसको यूज़ कर सकते हैं और उसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं कि अगर आपने कोई साल्ट कम या ज़्यादा किया है तो उसका प्लांट ग्रोथ पे क्या इफ़ेक्ट है। तो इसी तरह जो बेसिक मीडिया है उसमें ये कंपोनेंट्स हैं, उसमें मैक्रो एलिमेंट्स हैं, उसमें माइक्रो है, उसमें विटामिन्स हैं, आयरन है, और उसके बाद फिर आप उसमें एगर डालते हैं, सुक्रोज डालते हैं, ठीक है, उसके बाद ये सारा जो है ये आपका जो भी सोल्यूशन बनेगा उसकी पीएच एडजस्ट करते हैं, ताकि जो प्लांट की ग्रोथ के लिए प्रॉपर पीएच रिक्वायर्ड है वो पीएच उसको, वो एनवायरनमेंट उसको प्लांट को मिले। तो उसमें जो कंपोजिशन है वो नॉर्मली हम एमएस की कंपोजिशन यूज़ करते हैं, लेकिन मुख्तलिफ साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट क्रॉप्स के लिए डिफरेंट मीडिया जो है वो डेवलप किए हैं। तो उन मीडिया को जो है वो जिस क्रॉप में आप काम करना चाह रहे हैं और उसकी डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्टिव पे कि आप क्या करना चाह रहे हैं टिश्यू कल्चर में, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप जो मीडिया सेलेक्ट करते हैं और उस मीडिया में अगर आपको अल्टरेशन करना चाहते हैं दैट डिपेंड्स अपॉन योर ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जो है अभी हम आपको ये बेसिक स्टेप्स बताएंगे, जो माइक्रो एलिमेंट्स हैं और विटामिन्स हैं वो बहुत कम मिकदार में चाहिए होते हैं, तो उसके लिए जो है वो अगर आप हर दफ़ा उसकी वेइंग करेंगे तो उसमें एरर के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं, 0.05 मिलीग्राम, 0.005 मिलीग्राम, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह की बहुत छोटी जो है वो क्वांटिटी चाहिए होती है, तो उसके लिए इस एरर को बचाने के लिए उसमें साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये तरीका डेवलप किया है कि आप स्टॉक सॉल्यूशन बना लें, आप उसकी जो जो एलिमेंट्स आपको कम मिकदार में चाहिए उनको आप 100 टाइम्स या 10 टाइम्स आप उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वो आपकी मेयरिंग में आसानी हो जाती है, एक्यूरेट जो है वैल्यू आप मेयर कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको डिसॉल्व करके तो उसको एज स्टॉक रख लेते हैं। अब आपको पता है कि ये आपने अगर माइक्रो बनाया है तो ये 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, तो फिर आप उसमें से देख लेते हैं कि आपको कितनी कंसंट्रेशन चाहिए जो पर लीटर की आपकी जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है वो आपको मिल सके, ठीक है। इसी तरह मैक्रो में भी स्टॉक बना लिया जाता है, माइक्रो में भी स्टॉक बना लिया जाता है, विटामिन्स जो हैं उनके भी स्टॉक बन जाते हैं। तो आप बजाय इसके कि आपको बार बार जो है वो साल्ट्स जो हैं वो वे करने पड़े,
तो आप स्टॉक लेते हैं और उसमें से अपनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी लेके तो आप आसानी से मीडिया बना लेते हैं। तो अब जो है वो बहुत सारे साल्ट्स जो हैं वो प्रिपेयर्ड फॉर्म में भी मिलते हैं, तो उसमें भी वो भी आपको दिखाएंगे कि MS साल्ट्स या डिफरेंट साल्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी, उसके लिए फिर स्टॉक बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको वो एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी दे देते हैं कि आपने 4 ग्राम या 5 ग्राम जो यूज़ करना है पर लीटर, तो वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, तो वो आप उतनी क्वांटिटी जो है वो वे करते हैं, मीडिया डिस्टिल वाटर में डालते हैं और उसकी पीएच एडजस्ट करते हैं, एगर डालते हैं और मीडिया तैयार हो जाता है। तो वो उसमें आसानी है वो, लेकिन वो ज़रा एक्सपेंसिव है। तो जो कन्वेंशनल वे है, कन्वेंशनल वे में यही है कि आप मैक्रो माइक्रो आयरन के जो वाइटामिन के अलग अलग स्टॉक बनाते हैं, उनमें से रिक्वायर्ड क्वांटिटी लेते हैं और वो क्वांटिटी जो है आपकी फिर उसमें डिस्टिल वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। उसके बाद जितना भी आपने मीडिया बनाना चाह रहे हैं, 1 लीटर बनाना चाह रहे हैं, 5 लीटर बनाना चाह रहे हैं, तो वो आप मीडिया जो है बना लेते हैं। तो नॉर्मली जो भी आपने साल्ट वे करने हैं, पहले आप देखेंगे कि मीडिया कौन सा यूज़ करना है आपने, कंपोजिशन कौन सी यूज़ करनी है। उस कंपोजिशन में आपके पास डिफरेंट एक पूरी लिस्ट होगी कि मैक्रो में ये साल्ट्स हैं, माइक्रो में ये साल्ट्स हैं, आयरन जो है उसकी ये कंपोजिशन है, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट साल्ट्स जो है उनकी वेइंग कर लेते हैं। तो वेइंग के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस यूज़ किया जाता है, तो उसमें आप मीडिया कंपोजिशन को फॉलो करते हुए तो जो भी मैक्रो या माइक्रो एलिमेंट्स आपने वे करने हैं तो वो आप इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है, और इसमें एहतियात की ज़रूरत ये है कि एक तो बैलेंस जो है वो प्रॉपरली जो है वो स्टेबल जगह पे हो, इससे बेंच टॉप बैलेंस, और उसमें फ़ैन वगैरह ना चल रहा हो ताकि उसमें कोई एरर आने के चांसेस जो हैं वो कम हो। तो आप जो भी आपका रिक्वायर्ड साल्ट है उसको जो उसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी चाहिए आपको, वो क्वांटिटी आप उससे वे करते हैं, और वे करके तो फिर जो है वो आप उसमें साथ साथ जो है वो डिसॉल्व करते हैं। दोनों मेथड यूज़ होते हैं। अगर आप साथ साथ वे करके डालना चाह रहे हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें ये हॉट प्लेट है, मैग्नेटिक स्टिरर, इसमें मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड जब आप उसको करंट देते हैं तो वो रोटेट करता है। तो इसमें जो आपका बीकर है इसमें आप मैग्नेट डाल देते हैं तो वो मैग्नेट जो है वो अगेंस्ट मैग्नेटिक फील्ड वो रोटेट करेगा, तो उससे जो है वो जो भी आप साल्ट इस पर डालेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, साइमल्टेनियसली इट इज़ हॉट प्लेट, तो अगर कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से वार्म वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो आप थोड़ा सा टेम्परेचर जो है वो भी उसका हाई कर सकते हैं। तो जो भी आप साल्ट्स जो है वो वे करेंगे वो आप उसमें डायरेक्टली भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप स्टॉक सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो आप स्टॉक में से भी रिक्वायर्ड जो क्वांटिटी है वो उसमें आप डाल सकते हैं। ये डिफरेंट स्टॉक सॉल्यूशंस हैं जो मैक्रो एलिमेंट्स, ये हम MS की कंपोजिशन जो है उसके स्टॉक बनाए हुए हैं। तो इसमें मैक्रो एलिमेंट्स हैं, माइक्रो एलिमेंट्स हैं, वाइटामिन्स हैं, आयरन जो है इसको ऑक्सीडेशन से बचाने के लिए आपको जो एम्बर बॉटल है इसके लिए यूज़ की जाती है, विच इज़ डार्क कलर्ड बॉटल, और इसके ऊपर जो है वह एलुमिनियम फॉयल आप लगा देते हैं टू अवॉइड ऑक्सीडेशन। इसके बाद इसको जो है ये जितने स्टॉक हैं आपके दिस शुड बी स्टोर्ड एट 4 डिग्री सेल्सियस, और नॉर्मली जो है ये स्टॉक से 3 से 4 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं, तो ज़्यादा लंबी स्टोरेज जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, फ्रेश स्टॉक बनाएं ताकि वो जो न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी है उसमें एरर्स ना आएँ। ये इनमें जितना आपने वॉल्यूम लेना है दैट विल डिपेंड अपॉन इट्स स्ट्रेंथ, या आपने जो मैक्रो बनाए हैं से फॉर एग्जाम्पल इफ़ इट इज़ 10x तो फिर आप नॉर्मली 100 ml उसमें से लेंगे। ठीक है, तो माइक्रो जो है वो हम 1000x बनाते हैं, 1000 times आप उसको बढ़ा लेते हैं, तो उसमें से फिर आप 1 ml जो है 1 ml लेके आप 1 लीटर में डालेंगे तो आपकी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन जो है वो आपको मिल जाएगी। इसी तरह से आप इसमें वाइटामिन ऐड करेंगे, सुक्रोज, ये सारी चीज़ें जब डिसॉल्व हो जाएंगी तो फिर आप इनकी जो है वो pH एडजस्टमेंट करेंगे। अभी मीडिया प्रेपरेशन के लिए आप इसमें से मैक्रो लें, मैक्रो जो है वो आप 100 ml स्टॉक में से लेंगे,
बीकर जो है इसको मैग्नेटिक स्टिरर पे रखेंगे ताकि वो साथ साथ जो है वो जो भी सॉल्यूशन आप उसमें ऐड करेंगे वो साथ साथ डिसॉल्व होता जाए। इसके बाद माइक्रो एलिमेंट्स उसका स्टॉक लेंगे, उसमें से आप 1 ml पेपर जो है इसकी क्लीनिंग ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उसको क्लीन नहीं करेंगे तो आपके स्टॉक भी कंटेमिनेट हो जाएंगे, और जो इस स्टॉक कंटेमिनेशन को अवॉइड करने के लिए पेपर्स को हर दफ़ा आपने क्लीन करना है, और उसके बाद आप इसको टिश्यू से क्लीन करें। टिश्यू से क्लीन करके तो फिर जो है वो नेक्स्ट स्टॉक जो है उसको यूज़ करें। टेक 10 ml फ्रॉम विटामिन्स। अब आप इसमें सुक्रोज ऐड करेंगे मीडियम में। इसके डिसॉल्व होने का वेट करेंगे, और जब सुक्रोज जो है वो प्रॉपरली डिसॉल्व हो जाए उसके बाद फिर इसका वॉल्यूम मेकअप करेंगे। वॉल्यूम मेकअप करके तो आप एटलीस्ट 800 to 900 ml जो इसको कर लिया जाए, उसके बाद फिर आप इसकी पीएच एडजस्टमेंट करेंगे। पीएच एडजस्टमेंट के बाद फिर इसमें जो है वो एगर डाला जाएगा। अब इसका वॉल्यूम मेकअप करें। अब इसका वॉल्यूम मेकअप करें। इसको अब आप 900 ml तक वॉल्यूम कर लें इसका। वॉल्यूम मेकअप के बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो इसमें पीएच एडजस्टमेंट की जाएगी। पीएच एडजस्टमेंट के लिए जो है वो पीएच मीटर यूज़ किया जाता है, और उसके लिए इम्पॉर्टेंट स्टेप ये है कि आप जब भी पीएच मीटर ऑन करें उससे पहले उसकी कैलिब्रेशन होनी चाहिए, या एटलीस्ट उसको वीकली जो है वो कैलिब्रेट किया जाए यूजिंग डिफरेंट बफ़र्स, जिनकी पीएच जो है वो एक लो पीएच पे बफ़र होता है और एक हाई पीएच पे बफ़र होता है। तो इनकी जो है वो बफ़र्स के ज़रिए पीएच मीटर की कैलिब्रेशन करने के बाद फिर आप पीएच मीटर को यूज़ कर सकते हैं ताकि वो स्टैंडर्ड जो है वो पीएच दे आपको। तो पीएच जो है वो कम और ज़्यादा करने के लिए, नॉर्मली कम करने के लिए जो है वो एसिड यूज़ किया जाता है, और जो अगर पीएच बढ़ाना चाह रहे हैं आप मीडिया की तो उसमें फिर आप QOH जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ये नॉर्मली 1 normal सॉल्यूशन होते हैं। 1 normal सॉल्यूशन जो है उसके ज़रिए जो है वो एसिड डाल के आप देखेंगे आपके पीएच आपकी कितनी आ रही। नॉर्मली है मीडिया की पीएच जो है वो 5.6
टू 5.8 की रेंज में रखते हैं। तो अगर आपका स्टॉक जो है वो पीएच कम शो कर रहा है तो फिर आप उसमें जो है वो केओएच डालेंगे उसकी पीएच बढ़ाने के लिए, और अगर मीडिया आपका जो है वो पीएच ज़्यादा शो कर रहा है तो फिर आप उसमें जो है वो पीएच कम करने के लिए जो है वो एसिड डालेंगे एचसीएल। तो ये नॉर्मली वन नॉर्मल सॉल्यूशन होते हैं जिनके ज़रिए आप पीएच एडजस्टमेंट करते हैं। तो जब पीएच जो है वो आपकी रिक्वायर्ड रेंज में आ जाए तो उसके बाद फिर आप उसमें एगर डालते हैं। इलेक्ट्रोड जो है इसको वॉश करें, वॉश करने के बाद इसको पीएच मीटर जो है उसको ऑफ कर दें। नॉर्मली 7 to 8 ग्राम एगर जो है वो ऐड किया जाता है। एगर डालने से थोड़ा सा कलर भी जो है वो मीडिया का चेंज हो जाता है। सोलिडिफाइंग एजेंट्स डिफरेंट अवेलेबल हैं, इसमें फाइटाजेल है और जेल राइट के नाम से भी हैं डिफरेंट कंपनीज के, तो वो उसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ उसकी और उसकी ट्रांसपेरेंसी का फ़र्क होता है। तो नॉर्मली एगर जो है वो यूज़ किया जाता है। इसके बाद एगर को प्रॉपरली डिज़ोल्व करने के बाद फिर आप इसको जो है वो क्योंकि एगर जो है इसको थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे मेल्ट किया जाता है ताकि वो प्रॉपरली जो है वो मीडिया जो है वो बॉयल हो जाए और एगर जो है वो जेली की शक्ल इख्तियार कर ले। तो इसमें अब माइक्रोवेव ओवन यूज़ किया जाता है फॉर बॉयलिंग मीडिया। सॉल्व करने के बाद आप मीडिया जो है इसको माइक्रोवेव ओवन में रखें। इसके बाद इसको हीट किया जाएगा अनलेस के वो बॉयल हो जाए ताकि एगर जो है प्रॉपरली उसमें डिसॉल्व हो जाए, मेल्ट हो जाए। तो मीडिया प्रॉपरली बॉयल हो जाएगा और एगर उसमें अच्छे तरीके से मेल्ट होकर मिक्स हो जाएगा तो फिर उसके बाद उसको बाहर निकालेंगे और आप थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि मीडिया जो है वो सेमी हॉट कंडीशन में आ जाए। तो फिर उसके बाद जो है वो उसकी पोरिंग जो है वो स्टार्ट की जाएगी। जब मीडिया सेमी हॉट हो जाए तो उसके बाद जो है वो उसकी पोरिंग स्टार्ट की जाएगी। पोरिंग में जो है वो आप मीडिया जो है वो टेस्ट ट्यूब में पोर कर सकते हैं। नॉर्मली 5 to 10 ml एक ट्यूब में जो है वो पोर किया जाता है। तो 1/3 ऑफ द ट्यूब जो है वो दैट कुड बी यूज फॉर मीडिया। तो ये नॉर्मली 1/3 जो है वो ट्यूब उसकी यूज़ की जा सकती है फॉर मीडिया इसमें पोर करके। तो फिर आप इसमें टेस्ट ट्यूब में जो है इनको रखते जाएंगे रैक्स में और उसके बाद फिर इनको कवर कर देंगे विद पॉलीथीन। ये जो पॉलीथीन हम यूज़ करते हैं ये ऑटोक्लेवेबल है जो हाई टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं होती। तो ये पॉलीथीन जो है आम लैंग्वेज में इसको शीशा प्लास्टिक बोलते हैं। तो ये हाई टेम्परेचर जो है ये बर्दाश्त कर लेती है और जब हम मीडिया को स्टरलाइज करते हैं ऑटोक्लेविंग करते हैं तो उसमें फिर कोई इश्यूज नहीं आते इसमें प्लास्टिक के मेल्ट होने के। तो इस तरीके से प्लास्टिक जो है इससे ट्यूब जो है इनको कवर कर लिया जाता है। रबर बैंड जो आप लगाएंगे वो टाइट होने चाहिए ताकि जो एयर अंदर ना जाए। ये जो मीडिया हमने बनाया है इसमें जो है वो माइक्रोब्स होने के चांसेस हैं तो इसलिए हम मीडिया को स्टरलाइज करते हैं। मीडिया स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव की यूज़ किया जाता है। ऑटोक्लेव ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो
मीडिया स्टरलाइजेशन करता है एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इट्स जस्ट लाइक प्रेशर कुकर, तो उसमें जो है वो हाई टेम्परेचर पे और प्रेशर पे जो है वो मीडिया को स्टरलाइज किया जाता है। तो ये नॉर्मली 121 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो टेम्परेचर यूज़ किया जाता है और 15 पाउंड्स पर इंच पर स्क्वायर इंच जो है वो प्रेशर होता है। तो वो ये अब जो नए आटोक्लेव्स आ रहे हैं उसमें ये स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑलरेडी सेट होती हैं और उस पर आप मीडिया रखते हैं और फॉर 20 मिनट्स जो है वो उसकी स्टरलाइजेशन होती है। तो 20 मिनट्स जब वो 121 डिग्री सेल्सियस अटेन कर लेता है तो उसके बाद जो है फिर उसको 20 मिनट्स दिए जाते हैं ताकि 20 मिनट्स तक मीडिया जो है 121 पे रहे। तो ऑटोक्लेव जो है उसमें अगेन व्हेन यू आर यूजिंग ऑटोक्लेव थोड़ा सा उसमें केयरफुल होने की ज़रूरत है क्योंकि उसमें प्रेशर होता है। तो जब उसका प्रेशर जो है वो ज़ीरो पे आ जाए तो फिर आप ऑटोक्लेव जो है उसको ओपन कर सकते हैं। तो टेस्ट ट्यूब जो है या जो भी ग्लास वेसल आपने यूज़ किया है जैसे मीडिया है तो वो आप ऑटोक्लेव में रखेंगे और ऑटोक्लेव में जो है वो डिस्टिल्ड वाटर यूज़ किया जाता है जो उसमें स्टीम डिवेल्प करेगा। तो वो डिस्टिल्ड वाटर ऐड करने के बाद उसका जो पानी का लेवल आप चेक करेंगे कि पूरा है, उसके बाद आप इसमें टेस्ट ट्यूब रखेंगे, फिर आप ऑटोक्लेव जो है उसको ऑन कर देंगे। तो ये तकरीबन आधे घंटे से एक घंटे का प्रोसीजर है। तो उसमें जो है वो ऑटोक्लेव जो है वो मीडिया को स्टरलाइज कर देगा। जब उसका प्रेशर ज़ीरो पे आ जाए तो फिर आप ऑटोक्लेव जो है उसको ओपन करेंगे, उसमें से मीडिया निकाल लेंगे और मीडिया निकालते हुए आप चेक करेंगे कि जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनके रबर बैंड्स डैमेज तो नहीं हुए। तो अगर रबर बैंड डैमेज हुए हैं तो वो आप नए रबर बैंड लगा देंगे उनके ऊपर और मीडिया जो है वो उसको आप ग्रोथ रूम में रख देंगे ताकि मीडिया जो है सोलिडिफाई हो जाए। मीडिया सोलिडिफाई होने के बाद आप उसको 3-4 दिन 5 दिन के लिए रखते हैं ताकि अगर उसमें स्टरलाइजेशन के बावजूद कुछ ट्यूब्स में या कुछ प्लेट्स में कोई कंटेमिनेशन रह गई है, कोई माइक्रोबियल ग्रोथ आ रही है, तो फिर वो ट्यूबें आप निकाल के उनको डिस्कार्ड कर देंगे और आफ्टर 5 to 6 days फिर वो मीडिया जो है दैट इज़ रेडी फॉर इनाकुलेशन। ये इनाकुलेशन रूम है, इसमें हमने कुछ कंडीशन जो हैं वो सेट की हुई हैं विच आर रिक्वायर्ड फॉर इनाकुलेशन। इनाकुलेशन स्टार्ट करने से पहले जो है ये लैमिनर फ्लो कैबिनेट है, इसको 70% एथेनॉल से जो है वो स्टरलाइज किया जाता है, क्लीन किया जाता है इसको अच्छे तरीके से टिश्यू से जो है इसको, ताकि जो जहाँ पे बैठ के आपने कल्चरिंग करनी है वो जगह जो है वो माइक्रोब फ्री हो। तो इसका लैमिनर फ्लो जो है ये इसमें हीपा फिल्टर्स लगे हुए हैं जो जो एयर अंदर आती है वो प्रेशर के साथ आती है और वो जर्म फ्री एयर जो है वो अंदर आपको स्टेराइल एनवायरनमेंट देने के लिए ज़रूरी है, वो एयर ये प्रोवाइड करता है आपको। तो बेसिकली ये लैमिनर फ्लो भी आप जो काम स्टार्ट करना है उससे आधा पौना घंटा घंटा पहले इसको ऑन कर देंगे। इसी तरह जो ये रूम है इसमें हमने यूवी लैंप लगाया हुआ है, यूवी रेडिएशन जो है वो जो रूम में एयर में जो जर्म्स हैं उनको वो किल कर देती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले ये लैमिनर फ्लो ऑन करते हैं, इसको अच्छे तरीके से क्लीन करके 70% एथेनॉल से जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो इसके अंदर रख देते हैं एक्सेप्ट एक्सप्लांट जो वेजिटेटिव मटीरियल है, जो प्लांट मटीरियल है, प्लांट मटीरियल के अलावा बाकी सारी चीज़ें इसमें रख के तो वो फिर आप इसको पहले ऑन कर देंगे। उसके बाद रूम के बाहर जो है वो यूवी लैंप के लिए स्विच लगा हुआ है, वो बाहर जाके आप यूवी लैंप ऑन करेंगे बिकॉज दैट इज़ डेंजरस फॉर ह्यूमन आइज। तो वो यूवी ऑन करके आप कम अज़ कम 30 मिनट्स के लिए इसको ऑन रहने देंगे, उसके बाद आप 30 मिनट्स के बाद यूवी लैंप ऑफ करेंगे, उसके बाद आप आके यहाँ पे अपना जो है वो काम स्टार्ट करेंगे इनाकुलेशन। तो इनाकुलेशन के लिए जो है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू स्टरलाइज द एक्सप्लांट। जो टूल्स आपको चाहिए वो भी ऑटोक्लेव्ड होने चाहिए, फोर्सेप्स स्केल्पल जो चीज़ें आपको चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पहले से ऑटोक्लेव करके हम रखते हैं। दिस शुड बी प्रॉपरली रैप्ड इन द न्यूज़पेपर।
काम स्टार्ट करने से पहले जो है वो आप एथेनॉल से हाथ जो है वो अपने वाइप करेंगे, टिश्यू पेपर लेके उसको भी आप एथेनॉल से वेट करेंगे। वेट करने के बाद आप इसको अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे, जो आपके वर्किंग बेंच है दैट शुड बी क्लीन। ये जो लेमिनर फ्लो है इसमें वी आल्सो नीड फ्लेम, इसमें बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है क्योंकि ये गैस बर्नर है और अगर आप इसको एथेनॉल आपके हाथों को लगा हो और आप बर्नर के करीब ले जाएंगे तो वो हाथों में जो है वो आग लग सकती है और ये अक्सर बच्चे जो है वो जब केयरफुली काम नहीं करते तो ये इस तरह के प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो केयरफुली आपने इसको फ्लेम को ऑन करना है और कोशिश करें कि उस वक्त आपके हाथों में एथेनॉल ना लगा हो और नीचे भी एथेनॉल ना हो। उसके बाद आप जो फोर्सेप्स जो आपने यूज़ करनी है उनको आप फ्लेम स्टरलाइज करेंगे। ये सारे फैक्टर्स जो हैं जो हमने शुरू में बात की थी कि वी नीड टू इंश्योर एसेप्सिस, तो एसेप्सिस जो है उसको आपने इंश्योर करना है कि वो आपकी फोरसेप्स क्लीन हो, आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो क्लीन हो। नॉर्मली इनको रेड हॉट किया जाता है ताकि इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नहीं है, कोई फंगस के स्पोर जो है, कोई बैक्टीरिया। इसके बाद आप इसको रख देंगे वापस स्टैंड पे ताकि ये कूल डाउन हो जाए। इसी तरह से स्कैल्पल देंगे आप, स्कैल्पल देंगे आप और उसमें वो यूज़ स्टेराइल ब्लेड्स मार्केट से अवेलेबल हैं और इसको आप इसमें लगा लेंगे, लगा के इसको भी आप एथेनॉल से प्रॉपरली स्टेराइल करें। कंडीशन जो हैं वो आपकी रेडी हैं, नाउ वी गो फॉर एक्सप्लांट स्टरलाइजेशन। एक्सप्लांट स्टरलाइजेशन आप पहले भी कर सकते हैं, तो अगर आपने रेड हॉट कर ली है फोरसेप्स तो आप उसके बाद भी कर सकते हैं। एक्सप्लांट स्टरलाइजेशन के लिए जो है ये फर्स्ट स्टेप इज़ टू ऐड 70% एथेनॉल। ये सिट्रस के जो हैं ये एक्सप्लांट्स हैं, सिट्रस में एक्सप्लांट जो हम नोडल कल्चर नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो ये एक्सप्लांट जो शूट्स आप लेते हैं उन शूट्स को आप छोटे साइज़ में करके तो इस पोजीशन में कि आप उसको रेडी टू यूज़ हों वो, ठीक है, तो आप एक्सप्लांट जो है उसको पानी में वेट कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी उसकी सरफेस जो है वो क्लीन हो जाए, पहले जो उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं वो निकल जाएं पहले। इसमें डिस्टिल वाटर है, इसको हम निकाल देंगे। प्लांट जो है वो हम रेडी कर लेते हैं, पहले इसको कट करके आप इसको डिस्टिल वाटर में रख लेंगे कुछ देर के लिए ताकि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। उसके बाद आप एक्सप्लांट जो है उसमें 70% एथेनॉल जो है ये हम इसमें ऐड करेंगे। एथेनॉल जो है ये सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, इसको नॉर्मली 2 से 3 मिनट दे सकते हैं, 2 से 3 मिनट तक जो है वो इसको स्टरलाइज करने के बाद
आप इसमें से एथेनॉल जो है इसको रिमूव कर देंगे। देन वी हैव स्टेराइल डिस्टिल्ड वाटर। इसको आप वॉशिंग के लिए यूज करेंगे टू रिमूव एक्सेसिव एथेनॉल। इसको आप अच्छे तरीके से रिंस करेंगे ताकि जो एक्सेसिव एथेनॉल है वो रिमूव हो जाए। इसके लिए एटलीस्ट 2 से 3 वॉशिंग जो हैं वो दी जाती हैं ताकि जो एथेनॉल है वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाए। देन वी यूज़ सोडियम हाइपोक्लोराइड। सोडियम हाइपोक्लोराइड या कमर्शियल ब्लीच भी इसके लिए यूज़ किया जा सकता है। कमर्शियल ब्लीच जो है वो उसके लिए आपको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। जो सोडियम हाइपोक्लोराइड है ये ए ग्रेड है, लैब ग्रेड, तो इसमें जो है एक्टिव इन्ग्रीडियंट आपको पता होता है कितना है, तो उसके बाद आप 5 to 10% जो है वो इसकी कंसंट्रेशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी एक्सप्लांट कि आपका एक्सप्लांट कौन सा है। तो ये 10% सोडियम हाइपोक्लोराइट आप इसमें ऐड करेंगे। देन अगेन डिपेंडिंग अपॉन दी एक्सप्लांट, एक्सप्लांट कौन सा है और आपकी कंसंट्रेशन क्या है ब्लीच की, आप इसमें उतना टाइम इसके लिए देंगे। अगर आपकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आपका टाइम जो है वो इमर्शन का कम होगा, और अगर जो है वो कंसंट्रेशन कम है डाइल्यूशन ज़्यादा है तो फिर आप इसका टाइम जो है वो बढ़ा सकते हैं। स्टीरिंग इसलिए ज़रूरी है ताकि यूनिफॉर्म जो है वो स्टरलाइजेशन हो जाए और एक्सप्लांट जो है वो प्रॉपरली हर तरफ से जो है वो स्टरलाइज हो जाए। ब्लीच में नॉर्मली इफ़ इट इज़ 10% तो आप 3 to 5 मिनट्स जो हैं वो इसको दे सकते हैं अच्छे तरीके से। जब ये स्टरलाइज हो जाए उसके बाद आप इसको ब्लीच को जो है वो रिमूव कर देंगे। देन अगेन रिंसिंग विद स्टेराइल डिस्टिल वाटर। जब एक्सेसिव ब्लीच जो है वो आप इसमें रिमूव करेंगे। अगर ब्लीच जो है वो कंसंट्रेशन ज़्यादा है या आप ज़्यादा टाइम के लिए इसमें एक्सप्लांट रखेंगे तो एक्सप्लांट क्लोरोसिस हो जाएगी, जिसमें क्लोरोफिल जो है वो रिमूव हो जाएगा, एक्सप्लांट जो है ब्लीच हो जाएंगे, आपको कलर चेंज से उसका आइडिया हो जाएगा और एक्सप्लांट डेड हो जाएगा, वो फिर आप एक्सप्लांट जो है वो आगे चलेगा नहीं। तो ब्लीच में अगेन अच्छे तरीके से आप इसको रिंस करें ताकि एक्सेसिव ब्लीच जो है वो रिमूव हो जाए। आफ्टर 3 वॉशिंग्स नाउ योर एक्सप्लांट इज़ रेडी। आप इसको कल्चरिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सप्लांट प्रेपरेशन के लिए अगेन यू नीड स्टेराइल प्लेट्स। आप इसके लिए ग्लास प्लेट्स यूज कर सकते हैं जो ऑटोक्लेव्ड हों, या आप इसके लिए स्टेराइल प्लास्टिक प्लेट्स अवेलेबल होती हैं मार्केट से मिल जाती हैं, वो भी आप उसको लिए यूज़ कर सकते हैं। एवरी टाइम वेन एवर यू ब्रिंग योर हैंड आउट ऑफ द लैमिनर फ्लो, तो फिर आप इसमें दोबारा हाथ अंदर ले जाने के लिए आपको पहले से उसको स्टरलाइज करने की ज़रूरत है।
वो आपका एक्सप्लांट रेडी है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। आप इसमें से फोर्सेप्स जो है वो उससे एक्सप्लांट उठाएंगे। इस वक्त जो है वो एक्सप्लांट, ये नोडल कल्चर्स हैं और नोडल कल्चर के लिए जो स्टेम सेगमेंट्स हैं बेसिकली ये सिट्रस के, तो ये इसको हम इस पोजीशन में रखते हैं कि इसको आप एक्चुअल 2 से 3 सेंटीमीटर का जो एक्सप्लांट रिक्वायर्ड है उस पोजीशन में आप इसको कट करें और इसको मीडियम में जो है वो इंसर्ट कर दें। तो आप इसको लोअर एंड से कट देंगे, इसकी जो पिटियोल है आप इसको कट कर देंगे। नोडल कटिंग में है 1 or 2 नोड्स। इसके एपिकल एंड पे जो है वो आप फ्रेश कट देंगे, जो लोअर एंड है उस पर फ्रेश कट देंगे। नाउ योर एक्सप्लांट इज़ रेडी फॉर कल्चरिंग। अब ये हैंडलिंग में केयर वाली बात ये है कि आपका हाथ इसके ऊपर ना जाए। फिर आप टेस्ट ट्यूब जो आपने मीडिया स्टरलाइज किया हुआ था उसको निकालेंगे, इसका प्लास्टिक उतारेंगे, इसकी नेक जो है उसको थोड़ा सा हॉट कर लें, देन यू अगेन पिक द फोर्सेप, एक्सप्लांट अपना पिक करेंगे और इसको आप इस तरीके से मीडिया में इंसर्ट कर दें। तो इंसर्शन के टाइम पे आपने ये देखना है कि नॉर्मली जब हम एक्सप्लांट प्रिपेयर करते हैं तो 1/3 उसका नोड से ऊपर होता है और 2/3 जो है वो नोड से नीचे होता है, ताकि वो 2/3 पार्ट जो है वो मीडिया में इंसर्ट हो जाए और जो 1/3 पार्ट है वहाँ से शूट्स जो हैं वो ग्रो कर सकें। एक्सप्लांट इनोकुलेशन के बाद आप इसको जो है दोबारा से रैप कर देंगे, एंड यू नीड टू यूज़ फ्रेश रबर बैंड्स। नया रबर बैंड आप इसके ऊपर लगाएंगे और इसको प्रॉपरली टाइट कर देंगे। ये अब आपका जो कल्चर है ये अब रेडी है, इसको आप ग्रोथ रूम में रख सकते हैं जहाँ पे ग्रोथ कंडीशन जो हैं वो ऑप्टिमाइज्ड हैं। ये जो हमने नोड कल्चर किया था तो ये जब आप मीडिया में लगाते हैं तो आफ्टर 1 or 2 वीक्स डिपेंडिंग अपॉन दी एक्सप्लांट तो ये स्प्राउट करना शुरू कर देंगे, तो इनमें से जो बर्ड्स हैं वो स्प्राउट करना शुरू कर देंगी। तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता ये बर्ड जो ग्रो होंगी और इससे जो है वो शूट्स डेवलप हो जाएंगी। वो शूट्स जो हैं उनको फर्दर आप यूज़ कर सकते हैं, कल्चरिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये शूट ग्रो हो गई है इसको हम एज़ प्लांट मटेरियल भी रख सकते हैं, और इसको अगर इसमें रूटिंग हो गई है तो आप इसको निकाल के एक्लिमेटाइज भी कर सकते हैं। दैट डिपेंड्स अपॉन योर ऑब्जेक्टिव कि आप क्या करना चाह रहे हैं। अगर आप इसी प्लांट मटेरियल को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसी मटेरियल को हम निकालेंगे और इसको जैसे हमने पहले इनोकुलेशन की है इसको इसका एपिकल पार्ट जो है इसको कट करेंगे और इसको नए मीडिया में जो है वो लगा देंगे, जिससे नई शूट जो है वो ग्रो कर देंगे। इस तरीके से आप बहुत थोड़ा सा एक्सप्लांट लेके तो आप बहुत सारे प्लांट्स जो हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये सिट्रस के सीड्स हैं। ये सीड जो है ये जब जर्मिनेट कर जाता है तो इसमें नीचे प्रॉपर रूट डेवलप हो चुकी है। अब ये अगर आप इस प्लांट को एज सच निकालना चाह रहे हैं, इसको क्लाइमेटाइज करना चाह रहे हैं, तब भी आप कर सकते हैं। अगर आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आप इसके नोड जो हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ का ख्याल रखें कि ये अब चूँकि स्टेराइल इन्वायरमेंट में ग्रो कर रहा है तो इसकी दोबारा से स्टरलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, तो इसको आप डायरेक्टली जो है एक्सप्लांट को निकालेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इसके नोड्स जो हैं और उनको फर्दर मीडिया में इनोकुलेट कर देंगे ताकि जो है वो नए प्लांट्स डेवलप हो सकें। इसी तरह से ये गुआवा के सीड्स हैं, तो गुआवा के सीड्स भी आप स्टरलाइज करके इसमें लगा सकते हैं मीडिया में। ये अभी बहुत अर्ली स्टेज है, तो ये जो नीचे वाला हाइपोकोटाइल रीजन है तो ये हाइपोकोटाइल रीजन भी आप यूज़ कर सकते हैं फॉर फर्दर कैलस इंडक्शन। तो इससे हम कैलस बना सकते हैं, इससे आगे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, शूट मल्टीप्लिकेशन। जब ये प्लांटलेट पूरे डेवलप हो जाएंगे, जैसे सिट्रस के प्लांट्स अभी दिखाए हैं आपको, तो इनको हम फर्दर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और इनमें से कोई भी पार्ट जो है इसके लीव्स भी यूज़ किया कर सकते हैं, इसका हाइपोकोटाइल रीजन यूज़ कर सकते हैं, इसके नोड्स आगे जो है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए लगा सकते हैं।
इसी तरह से कैलस डेवलप की जा सकती है। कैलस जो है इस मास ऑफ सेल्स, कोई भी आप जो प्लांट्स में नेचुरल एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि प्लांट में जब कट लगता है तो वहाँ पे एक स्कार लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, तो वो एक्चुअली इस मास ऑफ सेल्स। तो यही जो है चीज़ हम यूज़ करते हैं साइंटिस्ट जो है वो, जब वो एक्सप्लांट को कट लगाते हैं तो, और मीडिया जो है उसमें प्रॉपर प्लांट ग्रोथ हार्मोन है 2,4-D नॉर्मली इसके यूज़ किया जाता है। तो 2,4-D अगर मीडिया में है और आप एक्सप्लांट प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं फॉर कैलस इंडक्शन, तो उसमें कैलसिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कैलस जो है वो मास ऑफ सेल्स है, फिर आप का मीडिया जो है उसमें जो ग्रोथ हार्मोन आपने डाले हैं वो डिफ़ाइन करेंगे कि ये इससे एम्ब्रियोजेनेसिस होगी या इससे शूट इंडक्शन होगी। तो ये जो मैं प्लेट आपको दिखा रहा हूँ ये बेसिकली गुआवा के एंथर्स हैं, उन एंथर्स से हम कैलस इंडक्शन कर रहे हैं। इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब क्योंकि ये वुडी प्लांट है और इसमें कैलस जो है वो ब्राउन हो जाती है फिनोलिक्स की वजह से। तो ये इसमें छोटे छोटे एंथर्स हैं, उन एंथर्स से जो है वो कैलस डेवलप हो रही है। इस कैलस को हम आगे फर्दर यूज़ करेंगे फॉर एम्ब्रियोजेनेसिस, जिससे एम्ब्रियोज डेवलप होंगे और उन एम्ब्रियोज को फिर आगे जर्मिनेट किया जाएगा और उनसे जो है वो प्लांट्स डेवलप होंगे। इस तरह के मासेस जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। ये बेसिकली जरबरा की कैलस है, तो जरबरा ऑर्नामेंटल प्लांट है जिसमें हम कैलस इंडक्शन कर रहे हैं और उससे आगे प्लांट डेवलपमेंट की तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस कैलस को आप फर्दर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको सब कल्चर कर सकते हैं डिफरेंट मीडिया में और इससे फिर आगे एम्ब्रियोजेनेसिस कर सकते हैं जिससे प्लांट्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। कोई भी मेथड आप यूज़ करें, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है आपका कि आप प्लांट डेवलप करना चाह रहे हैं। जब प्लांट कंप्लीट प्लांटलेट डेवलप हो जाएगा जिसमें शूट है उसके साथ प्रॉपर रूट है, तो फिर नेक्स्ट स्टेप है वो इसकी एक्लेमेटाइजेशन। तो एक्लेमेटाइजेशन के लिए आप ये जो प्लांट है इसको इसमें से निकालते हैं, ये नीचे जो एगर है ये आप इस इजीली वॉशेबल, आप इसकी जेली जो है इसको वॉश कर देते हैं टैप वाटर में, इसको वॉश करें। तो उसके बाद पॉट जो है उसमें डिफरेंट मीडिया यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसमें सैंड यूज़ करते हैं, सैंड में एक तो रूटिंग अच्छी हो जाती है, जो रूट ग्रोथ है उसमें प्रॉब्लम नहीं आता और ड्रेनेज अच्छी होती है, तो उसकी वजह से जो फंगल इश्यूज आते हैं अगर आप सॉयल यूज़ करें या समटाइम्स इन कंपोस्ट एज वेल। तो नॉर्मली हम इसके लिए सैंड यूज़ करते हैं सिट्रस और गुआवा के लिए। तो इसमें पॉट में सैंड डाली हुई है, इसमें जो आप प्लांट निकालेंगे उसको वॉश करने के बाद आप इसमें जो है वो ट्रांसप्लांट कर देंगे। ट्रांसप्लांटिंग के बाद इसमें एहतियातन जो है वो आप थोड़ा सा फंजीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं ताकि एक्सेसिव ह्यूमिडिटी की वजह से फंगस ना आए, ठीक है। तो इसके बाद क्योंकि पौधा जो है वो जो ग्लास वेसल में ग्रो कर रहा है तो ग्लास वेसल के अंदर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, तो उसके लीफ जो सेल्स हैं वो फिर ज़्यादा ह्यूमिडिटी की वजह से उसी तरीके से क्लाइमेटाइज हुए होते हैं, तो लीफ स्ट्रक्चर भी काफ़ी टेंडर होता है। तो जब आप इसको इस कंडीशन में लेके आते हैं तो टेम्परेचर भी चेंज होता है, ह्यूमिडिटी भी चेंज हो रही है, ह्यूमिडिटी कंडीशंस जो हैं, तो इस वजह से प्लांट अपने आप को एक्लेमेटाइज करता है अकॉर्डिंग टू द न्यू कंडीशंस। तो इसमें आप ये चाहते हैं कि आप उसी कंडीशन में रखें उसको, आप इसके ऊपर कवर कर देते हैं ताकि उसको एक्सेसिव ह्यूमिडिटी मिले और पौधा जो है वो विल्ट ना करे। तो इसलिए जो है ये पौधा इसमें आप ट्रांसप्लांट कर देंगे, इसको ऊपर से कवर कर देंगे फॉर 2 to 3 weeks ताकि पौधा जो है वो ह्यूमिड कंडीशन में ग्रो करे, उसमें तेज़ी से विल्टिंग ना। क्लाइमेटाइजेशन बहुत क्रिटिकल है इस स्टेप पे, बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो डेड हो जाते हैं अगर आप केयरफुल नहीं हैं। तो आपको इस स्टेज पे काफ़ी केयरफुल होने की ज़रूरत है ताकि आपके प्लांट्स जो हैं वो डेड ना हो। एक तो कंप्लीट प्लांट लेट हो, उसमें रूट्स हों ऑलरेडी, और उसके बाद आप उसको प्रॉपरली ट्रांसप्लांट करें, उसको फंजीसाइड से स्प्रे करें, उसके बाद प्रॉपरली उसको कवर करें ताकि पौधा जो है उसके ऊपर किसी किस्म का स्ट्रेस ना आए। जब वो पौधा इन कंडीशन के मुताबिक अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लेता है आफ्टर 3 weeks, फिर आप इस बैग जो है इसको आप पंक्चर कर सकते हैं ताकि इसमें ह्यूमिडिटी कम हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप इसको रिमूव कर देंगे। अब ये एक लिमिटाइज्ड प्लांट है, इसका हमने बैग जो है वो रिमूव कर दिया है। अब ये नॉर्मल जो ग्रोथ रूम की कंडीशन है उसके मुताबिक ये ग्रो कर रहा है, लेकिन यहाँ से भी जब आपने पौधे को ग्रोथ रूम से बाहर लेके जाना है तो ग्रोथ रूम में हम 25 to 27 degrees Celsius मेंटेन करते हैं और 2500 lux इंटेंसिटी, लाइट इंटेंसिटी होती है यहाँ पर। तो बाहर जो है वो आजकल विंटर कंडीशन हैं तो
उसके मुताबिक टेम्परेचर आजकल ज़्यादा लो होगा, समर में जो है बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हाई होता है। तो जब आपने पौधों को ग्रीन हाउस में शिफ्ट करना है तो उसमें ग्रेजुअल शिफ्टिंग करनी चाहिए। आप ग्रोथ रूम में से निकालें उसको, लैब में कुछ दिन के लिए रखते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उनको ग्रीन हाउस में लेके जाएंगे, जहाँ पर ग्रीन नेट लगाओ, जहाँ पर टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा ना हो, फिर आप इन प्लांट्स को फील्ड में जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये ग्रेजुअल मूवमेंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ किसी स्टेज पे भी अगर पौधे को स्ट्रेस आएगा तो पौधे जो हैं वो डेड हो जाएंगे। अजीज़ तलबा, आज के इस प्रोग्राम में डॉक्टर मोहम्मद उस्मान साहब ने हमें लेबॉरेटरी के अंदर प्लांट टिशू कल्चर के बारे में मुकम्मल आगाही दी कि इसमें कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से केमिकल यूज़ होते हैं, इन सारी चीज़ों के साथ जो है उन्होंने हमें बहुत अच्छा गाइड किया। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये प्रोग्राम समझ आ गया होगा कि किस तरह से प्लांट टिशू कल्चर के ज़रिए प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो इसके साथ ही मुझे अपने होस्ट डॉक्टर ज़ैद मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।